उसी के हाथ में एयरफोर्स, उसी के हाथ में नेवी और उसी के हाथ में थल्स, तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो गया। बड़ी विकट समस्या हमारे पास ये आ गई कि हम सीडीएस बनाए कि नहीं बना पाए। सीडीएस बनाना जरूरी है, लेकिन उसका रिएक्शन अगर गड़बड़ हुआ ना, लेकिन हमारे यहाँ डर इस बात का था कि नए नए लोकतंत्र में समस्या आती है लोकतंत्र के बिखरने का। जैसे सूडान बिखर गया, लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं, लीबिया संभला ही नहीं, पाकिस्तान लोकतंत्र हुआ संभला ही नहीं, वहाँ आज भी 80% प्रशासन आर्मी देखती है। तो हम लोग को बैलेंस लेके चलना था, तो इसलिए क्या किया गया ना, एक राष्ट्रपति बना दिया गया और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष किसको दे दिया गया, राष्ट्र किसको, राष्ट्र सेना का डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कंट्रोल है खत्म। प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है, राजनीतिक पावर है, विकासात्मक काम देखता है, सेना को मतलब ही नहीं है। राष्ट्रपति रायसीना की पहाड़ी पर, राष्ट्राध्यक्ष है ना, शासन देखते हैं ना, राजनीति देखते हैं ना, आपका कोई मीडिया उड़िया देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, पूरे प्रोफेशनल अधिकारी की तरह बैठे रहते हैं। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, इनके नीचे रखा गया रक्षा मंत्री को, वो भी तीनों सेनाओं के सबसे ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, उनके ऊपर है सीडीएस। देखिए सीडीएस बनाने में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, पाकिस्तान, हमारे पास भी शुरू में सीडीएस थे और पाकिस्तान में भी थे, उस समय का सीडीएस ज्यादा पावरफुल था, वो तीनों सेनाओं का हेड होता था, उसी के हाथ में एयरफोर्स, उसी के हाथ में नेवी और उसी के हाथ में थल्स, तो वो कांड वो भी हो सकता है जो सूडान में हो रहा है, पूरी तीनों सेनाओं पास में, पाकिस्तान में हो गया। जैसे देश आजाद हुआ सब कब्जिया किया, अयूब खान कब्जा लिए, समझ में आ गया कि नहीं, इधर नेहरू राजनीति देख रहे हैं, उधर वो कब्जा लिए, अयूब खान, यहिया खान, भुट्टो, ये लोग जरदा बहुते लोग आए चल गए लोग यहाँ, देखिए बेनजीर भुट्टो की तो गोली मार के हत्या होता, खैर हमारे देश में भी दो प्रधानमंत्री को मार दिया गया, तो इस मामले में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों लोग में कोई वो है। तो हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारी अपनी सेना अगर कुछ कर दी तो फिर किससे कहने जाएंगे, इसलिए सीडीएस को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। थल सेना अलग, वायुसेना अलग, नौसेना, इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर राष्ट्र, तो इतना ना दूर कर दिया गया कि मिलावटें नहीं है यहाँ पर। लेकिन कमी कहीं बर्दाश्त देखा गया, जैसे कारगिल की लड़ाई में एयरफोर्स की जरूरत है, आर्मी को पता नहीं है एयरफोर्स, गोली चल रही है धड़ाधड़, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि भैया आपके सपोर्ट में एयरफोर्स भी आएगी, क्योंकि एयरफोर्स सेपरेटली मार रही है, जो मिल गया मार दी। जबकि पहाड़ की जो चोटियां थी कारगिल में, ये एकदम दुर्गम पहाड़ थी, यहाँ फौज खड़ी हो गई है और ऊपर से हैवी फायरिंग आ रही है, यहाँ से हैवी तोप का गोला, अब ये लोग झेल रहे हैं लोग, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन रहता ना तो एयरफोर्स को कहते लोग कि आइए तो थोड़ा, अब एयरफोर्स यहाँ से आती और धड़धड़ा के वहां पे गिरा देती। तो कारगिल की लड़ाई में इसका बड़ी फेस किया गया, तो बड़ी विकट समस्या हमारे पास ये आ गई कि हम सीडीएस बनाए कि नहीं बना पाए। सीडीएस बनाना जरूरी है, लेकिन उसका रिएक्शन अगर गड़बड़ हुआ ना, तो फिर देश चल जाएगा तानाशाही में, क्योंकि उनके लिए संविधान उम्मीदान कुछ नहीं, कौन चीज लड़ लीजिएगा, गांव में एगो दरोगा मन भरा जाएगा तो लड़िए नहीं पाइएगा, उससे ना प्रमुख से लड़ पाएंगे। बहुत गहन मंथन हुआ, तब बिपिन रावत साहब को दिया गया तीनों सेनाओं के ऊपर। अब ऐसा किया गया है, देखिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एयरफोर्स इसके कौन होते हैं, हेड जनरल, ये सारे डिसीजन लेंगे। नेवी के कौन होते हैं, एडमिरल, एडमिरल होते हैं, ये सारे डिसीजन लेंगे। एयर चीफ कौन होते हैं, एयर चीफ मार्शल सारे डिसीजन यही लेंगे। एयरफोर्स में अल्टीमेट, आर्मी में अल्टीमेट पावर जनरल, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया ना सीडीएस, इनको कहा गया कि आप इन तीनों के ऊपर हैं, लेकिन एडवाइस दीजिएगा, बस क्या दीजिएगा, एडवाइस दीजिएगा, आप मैंडेटरी नहीं है आपका बात मानना, क्या है, सलाह। तो वहां पर क्या है, एक फायदा है कि कारगिल की लड़ाई में अगर आर्मी को चाहिए सपोर्ट, या किसी लड़ाई में आर्मी को चाहिए एयर सपोर्ट, तो ये जनरल, जनरल को पता है कि एयर सपोर्ट चाहिए, जनरल किसे बोलेंगे, सीडीएस एयर चीफ, एयर चीफ मार्शल अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन, राफेल लिया धड़धड़ा के गिरा दो क्विंटल बम, दो क्विंटल तो बहुत कम बम बोले हैं, सबसे कम बम गिरता है तो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल से नीचे बम कौन सी गिराएगा, उसको चिटपुटिया बोला जाएगा, अरे 1 क्विंटल का तो उसका खोखलवा होता है, आपको कौन सी प्लास्टिक में रखता है,
अरे दो चार कुंटल बम ना गिराए तो बम कौन चाहिए, दो चार कुंटल में क्या होना है, टन में बम गिराया जाता है, टन में 5 टन 6 टन ऐसे बम गिराया जाता है यहाँ पे। तो आप कौन चाहिए, 2 कुंटल 3 कुंटल बम से किसको क्या दिक्कत होता है, दिल्ली युद्ध हो जाता, नहीं हो जाता युद्ध। आगे बढ़े तो बताइए CDS का पद रख दिया गया, CDS के ऊपर कौन है, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, और इनके ऊपर राष्ट्रपति, संज्ञा क्या कि नहीं आ गया, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति, सुरक्षा सलाहकार भी यहीं आ जाते हैं, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, बट ये जो होते हैं ना NSA, ये PM को संभालते हैं, ये PM हो गए, और PM और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये इन दिनों के बीच में कड़ी का काम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी इन लोग को अगर प्रधानमंत्री तक जाना है तो बीच में एक बैरियर है, कौन, नेशनल सिक्योरिटी, अभी अजीत डोभाल साहब है। तो आर्मी को इस तरह से डिजाइन किया गया। अब चूंकि हम लोग नए नए लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ अगर तख्ता पलट हो गया तो संभलते संभलते हालत खराब हो जाएगा। वीडियो अभी खत्म, इस वीडियो में जो अपना है खान सारे, इन्होंने कारगिल वार का जिक्र किया, साथ ही साथ तीनों जो फोर्सेज हैं एयर फोर्स नेवल और आर्मी, इनके ऊपर उन्होंने बताया कि एक CDS होता है उसके ऊपर भी उन्होंने बताया, NSA होता है उसके ऊपर भी उन्होंने बताया, PM होता है, फला फला फला, मतलब जो जो उनकी अपनी रूटीन है पर इंडिया में चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या रूटीन है सबको पता ही होगा, क्या रूटीन है, सबसे ऊपर हमारी आर्मी है, आर्मी चीफ है हमारा, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं है, चाहे वो सदर है या PM है, कुछ भी नहीं, वो सब नीचे है, आर्मी सबसे ऊपर है। इंडिया की जो है ना डेमोक्रेसी, इसीलिए आज तरक्की कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि उनकी आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो इंटरफेयर कम करती है, भाई इंटरफेयर करती होंगी सियासत में, करती होंगी, कोई मशवरे सलाह वगैरह देती होंगी जो बेहतर होंगे, ये नहीं कि पकड़ दकड़ मार धाड़ नहीं करती होंगी, ये नहीं कह सकते टूटी तौर पर कि इंडिया की एजेंसी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होती, इंडिया की आर्मी जो है वो उधर कुछ कर नहीं सकती, भाई कुछ ना कुछ रोल होता है, वो किस हद तक रोल होता है ये इंडिया वाले जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में तो ये बात है ना कि आर्मी का रोल होता है सियासत में, पर होता होगा ये नहीं होता कि 1% 2% 5% होता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता होगा। तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में आर्मी में सियासत का रोल होता है, उधर सियासत में आर्मी का कुछ थोड़ा बहुत रोल होता है, आर्मी में सियासत का रोल होता है, मतलब असल में हकीकत आर्मी है तो उसमें थोड़ी सी सियासत आ जाती है, तो वो फिर अपने हिसाब से चुनते हैं। और ये बातें ये ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, लेकिन मैं तो करता रहूँगा, चाहे आज इमरान रियाज और अर्शद शरीफ की तरह भी हाल हो जाए, अर्शद शरीफ को शहीद कर दिया गया और इमरान रियाज का गायब कर दिया गया, हफ्ता हो गया, सिर्फ उसके गुनाह इतना था कि वो सच बोलता था, वो पूछता था, वो सवाल उठाता था, सवाल क्यों उठाता था, हमारे बारे में बात क्यों करता था, वो इसकी पावर क्या सी। अच्छा सर, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन किया फौज का और पाकिस्तानी फौज का, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंडिया की फौज है ना, वो जो उन्हें जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं ना, वो उसी दायरे में रह के अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देती हैं, और हमारा तो मैं कहता हूँ पूरी फौज ही बल्कि ये पूरा जो है ना पॉलिटिशियन, इनको जो जो जिम्मेदारी दी जाती है ये जिम्मेदारियां अपनी अलग छोड़ के किसी और दायरे कार में घुस जाते हैं और काम संभाल लेते हैं, यानी कि जो इनके काम हवाले किया जाता है ना वो काम नहीं करते, ये और भी काम कवर कर लेते हैं और भी काम में लबस हो जाते हैं। एक न्यूज आई थी कि जो एक्स है ना आर्मी चीफ कमर जुनेद बाजवा, उन्होंने जब लगाया था ना शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को पंजाब का CM हमजा शहबाज को, तो जनरल बाजवा ने उनको बुलाकर डांटा था, और इतनी पावर नहीं थी हमारे PM की कि उनको आगे से कुछ कह सकता, ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड बातें डांटा था, मतलब झाड़ा था उनको, मतलब सख्त बातें की थी, लेकिन वो जो शबाशी था कहते हैं किस तरह हाथ बांधे सामने खड़ा था, बोला भी नहीं यार आप, और वो चाहते ही यही है उसकी बात। खान आज बुरा क्यों है, खान क्यों बुरा है, खान सिर्फ सामने बोलता है, वो कहते हैं इनकी पावर कैसे ये हमारे सामने बोल रहा है, ये सोचाते हैं बंद कमरों में बैठे, ये उनको गुस्सा आता है, ये खान आ कहां से गया हमारे सामने बोलने वाला, ये है उनकी मजाक, यही कसूर भाई अर्शद शरीफ का भी था, उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसने कहा था कि ये जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं इनका काम होता है मुल्क की सिक्योरिटी करना, ना कि मुल्क की सियासत में घुसना और मुल्क की मसाइल में अमल दखल करना, और यही उसका सबसे बड़ा कसूर बना उसके बारे में। हमारे साथ दो चेहरे भी बैठे, इनसे भी पूछते हैं,
अभी तुम क्या कहना चाहते हो, पाकिस्तान की आर्मी, इंडिया की आर्मी, और क्या डिफरेंस आपको जो इंडिया की आर्मी वो अपना काम करती है और जो पाकिस्तान की आर्मी वो दूसरे कामों में जो हिस्सा लेती है। दूसरों का काम करती है? अच्छा, इंडिया की आर्मी अपने काम करती है और पाकिस्तान की आर्मी दूसरों का काम ये करती है। पॉलिटिशियन में हिस्सा लेती है और इनका असल काम तो है बॉर्डर पर। तो लेकिन भाई डर लगता है बड़ा, यकीन कर रही है, मैं साथ साथ कह रहा हूँ, पता नहीं कब हमारी बारी आ गए। आप में से कोई शेयर कर देगा तो हमारी आर्मी की किसी बंदे तक पहुंच गई ना हमारी ये बातें, तो एजेंसी उठा देगा, तो हमारा पता भी लगा। जिस तरह आज इमरान रियाज खान का पता नहीं चल रहा, जिस तरह शहीद अर्शद शरीफ को कुतल गया, पता कितनी ऐसे केस है। सर्वर बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो? चले कोई बात नहीं, वो चीजें करा। अच्छा भाई, उन्होंने ना बात की है यहाँ पर जंग का जिक्र कर दिया, कारगिल वार का, तो जो वार थी ये इनका करने का मकसद बता क्या था यार, बात क्या हो रही है? और दरमियान में ना कहीं ये फसाद वाली बात जो हमेशा काली वाह रहमतुल्लाह, वाह तूने वीडियो क्या देखी है? मैंने देखी है, क्या बंदे, मैंने सुन ले बात क्या थी, फिर बोलना बात। वो खान साहब ये कह रहे हैं कि ये इनका होता आपस में कम्युनिकेशन तीनों फोर्सेस का, कारगिल में वो बता रहे थे मिस गैप हो गया। उस गैप ये हुआ कि जो अदारा होता है ना, अदारा होता है हर इदारे को लीड करने होता है, जिस तरह उनका सी डी एस इस तरह को बता रहे थे, जो तीनों तीनों ऊपर होता, तीनों के ऊपर, आर्मी के ऊपर भी, नेवी के ऊपर भी, और जो एयरफोर्स के ऊपर भी, उनको उससे मशवरा देता है या उनको कम्युनिकेशन करवाता है। तो कारगिल में उनका कम्युनिकेशन गैप आया था, इस वजह से ये सूरत हाल बनी थी। वो ये बात कर रहे हैं कि ये इनको कनेक्ट करना होता है एक तीनों तीसरे ने, वो एनडीएस या सीडीएस क्या नाम है उसी में सभी उनको लीड करना होता है, एक जो मेन हेड होता है। और कोई बात इसके अलावा नहीं की? अच्छा, आप तो इससे पहले जो हमने एक वीडियो की थी वो थी वो राजस्थान के बॉर्डर का क्या नाम है, लोंगेवाला। तो वहां पर मैंने जिक्र किया था, तो मुझे भाई एक भाई ने कमेंट्स में जवाब दिया कि जो रात के वक्त जो होते हैं ना फाइटर जेट्स, ये नहीं उड़ते उस वक्त, नहीं उड़ते, खैर आप तो उड़ते हैं। तो मैंने उसको फिर आगे जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अगर वो सुनता है तो मैं उसको ये कह रहा हूँ कि जो हमारी जो आर्मी कह रही कि 40 टैंक लेकर वहां पर गई थी, 200 जो हमारे सोल्जर थे वो भी वहां पर गए थे, तो उन्होंने पीछे नहीं कहा 2000 सॉरी, तो उन्होंने अपनी जो एयरफोर्स थी उनसे कोई रब्ता नहीं किया था कि हम जा रहे हैं, अगर सुबह का वक्त हो तो आप हमारी मदद के लिए आए। जैसे कि जो इंडिया की जो आर्मी थी वो अपने कॉन्टैक्ट के उनके रब्ते में थी, तो उन्होंने आकर पाकिस्तान आर्मी को गुरूर था कि हम 2000 हैं, वो सामने थोड़ी तादाद में मौजूद है, छोटी सी छावनी। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी को गुरूर था? और सुन यार, 2000 कहाँ तो, और 120 आदमी कहाँ, तो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस ही होगा ना कि हम तो इतने ज्यादा है, हमारे पास टैंक, वो पीछे में रब्ता क्या करना है। जितना भी पैसा था तकसीम के वक्त सारे का सारा इंडिया साइड वाले पर रह गया, और जो सर बात है बात कोई और है, पाकिस्तान उन किस चीज का गलत था? असद की तरह तुम भी, मेरा ख्याल तुम्हारा भी मतलब बवासीर हो गई है, बात कोई होती है सच्ची बात करें तो बवासीर हो जाती है, सच्ची बात तो सुनते ही नहीं है। चले कहीं जाते हो, वीडियो तो यह थी कि हमारी जो आर्मी है डिफरेंस इंडिया की आर्मी में कारगिल में क्या हुआ ये था, और ये कम्युनिकेशन किस तरह होता है, तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से सारा मामला होता है हुआ था। अब तो क्या अदारे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, चाहे एडवांस हो गए। तो मैं कहते हैं आप हमारी इंडेक्स लगी होगी, वीडियो लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, तो मिलता है नई वीडियो में। नाटक साहब तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।